मुख्यमंत्री तो मैं आज भी बनना चाहता हूँ, पहले भी बनना चाहता था। मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनना चाहूँगा? मुझे लगता है कि मुझ में कुछ सीमित हैं, लेकिन कुछ क्षमताएं हैं। मुझे लगता है कि मैं लोगों के संपर्क में हूँ, मुझे लगता है कि मैं भी छत्तीसगढ़ के लिए काम कर सकता हूँ। तो अगर मौका मिलता तो मैं क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहता। लेकिन ये जो बात है, ये पार्टी के दायरे के अंदर की बात है। मैंने बताया कि हम लोग जब चुनाव लड़े थे तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था। चुनाव के बाद चार लोगों को दिल्ली बुलाया गया, चरणदास महंत जी को, ताम्रध्वज साहू जी को, भूपेश बघेल जी को और टीएस सिंहदेव जी को। चार लोगों को जब दिल्ली बुलाया गया तब ये बात हुई कि अब मुख्यमंत्री लगता है कि ये चार में से बनेगा। अंततः भूपेश बघेल जी का नाम घोषित हुआ। मीडिया में ये चर्चा चलती रही ढाई ढाई साल वाली, वो मीडिया में रह गई, बंद कमरे में क्या हुआ मैं अभी स्वतंत्र नहीं हूँ बोलने के लिए, किसी दिन बोलूँगा। अब मैं जानता हूँ, मैंने आँख से देखा, कान से सुना। लेकिन इस बार 75 पार की स्थिति बन रही कांग्रेस में, इस बार तो मुख्यमंत्री तब तो फिर जो मुख्यमंत्री हैं वो बनेंगे ना, वो 75 के पार ले जाएंगे तो जो मुख्यमंत्री आज हैं वो बनेंगे। सरगुजा की क्या स्थिति रहेगी? सरगुजा मतदाता तय करेंगे। मंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा, मंत्री की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा जब तक मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। मुझे विधायक की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा जब तक कांग्रेस पार्टी में हूँ। मुझे पीसीसी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा। मुझे जिला कांग्रेस की जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाऊंगा जब तक कांग्रेस पार्टी में हूँ। हाई कमांड जो कहेगा मैं करूँगा।